राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री श्याम फ्रेंड। आज मैं लेके आई हूँ फ्रेंच फ्राई, जो आप व्रत में आराम से बना के खा सकते हो। काम करते करते भी बन जाएंगे फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फ्रेंड मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे आलू, तो मैंने पतले पतले लंबे कट कर रखे थे। आप किसी भी साइज़ में कर सकते हो। तो मैंने फ्रेम पहले से ऑलरेडी मैंने गर्म करने रख दी थी कढ़ाई, तो मैंने फ्रेंड काफ़ी गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दी सारे आलू। और फ्रेंड शुरू में तो मैंने हाई फ्लेम रखा, बाद में मैंने धीरे धीरे लो करा, क्योंकि ना लो पे अच्छे से करारे हो जाते हैं, तो हाई पे इतना नहीं होता, जलने का भी चांस रहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, और बीच की में थोड़ी सी मेरी स्किप हो गई थी वीडियो, वो मैं नहीं ले पाई। तो फ्रेंड सारे हो गए थे, तो फिर मैंने पानी में सारे निकाल लिए, क्योंकि इसका सारा एक्स्ट्रा जो ऑयल है ये सब निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ऑयली ऑयली नहीं अच्छा लगता फ्रेंड्स। तो फिर मैंने इसको करा प्लेट में डाल दिया, और फिर इसमें थोड़ा सा क्या नाम है, इसमें डाला मैंने पिसा जीरा और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, और नमक टेस्ट के अनुसार डाला फ्रेंड, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली। अब बहुत तीखा हो जाता है, तीखा नहीं खाया जाता। और फिर मैंने डाल दी इसमें धनिया पत्ती ऊपर से, और फिर दोनों को दोनों फोक, एक दो फोक लिए मैंने, दोनों फोक से मुझे करना है इसको मिक्स करना है, क्योंकि फोक से यार अच्छा से मिक्स हो जाता है। तो मैंने दोनों फोक की मदद से मैंने मिक्स करा, और देखिए सारा मसाला मिक्स हो गया है, और ये बहुत ही अच्छा लगा था फ्रेंड। चाय के साथ सब कर सकते हो आप, या दही के साथ भी खा सकते हो। तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ और डाल दी इसके धनिया की, और ये देखिए रेडी हो गए आपके फ्रेंड्स फ्राई। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड, तो आपने फ्रेंड लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगी आपको। बाय, जय श्री श्याम।